previously on 4D. अब से लौंडे अपने साथ काम करेंगे। पहली बात दिल्ली में कल पड़ा क्या? हमने यहाँ आंदोलन करने का प्लान बनाया है ताकि मैं मैनेजमेंट को बड़े प्यार से मेरी बात समझा। तू अब से मेरी आधी टीम को लीड करेगा। मेरे पास है ना तुम्हारी सारी वीडियोस पड़ी है, ठीक है? यू केस हो सकता है तुम पे। हो गया थारो, अब मारी सुन। मैं तो वही कहना चाहता हूँ जो तुम समझ रहे हो कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। लड़की हो, कुछ तो फायदा उठा ही सकती हो। आए दिन इतने लॉ बन रहे लड़कियों के फेवर में। ये तो साले वही चूती है जो अपन ने देखे थे थोड़ी देर पहले। भाई आज हो क्या रहा है भाई? हर कोई भूल दे रहा है यार। भाई मुझे कुछ नहीं पता है, चलो दिन ही खराब है आज। अपने तो कैंटीन चल रहे थे, छोड़ यार अब तो भी बात है। चलने चलने यार, मेरा भी मन है, भूख लग रही है बहुत। साला एक ग्रुप है हॉस्टल का, इतनी मस्त मस्त रैपचिंग वीडियो आती है, देख के दिखाता हूँ। नहीं आई अभी। Naughty America. अबे? Nobody. Nobody. यार क्या ये? यार मुझे पता नहीं था यार। अबे यार मैं देखता हूँ कहाँ सही, मैं पूछता हूँ भाई से। छोड़ तू। सुन भाई सुन तो सही। अरे सुन तो, मेरा मतलब ये नहीं था, सुन। यार ताई साला जरूरी पक्का मोना का काम है, पूरी जिंदगी बर्बाद करके रखती है साली। मैं नहीं सह सकता यार। और नमस्ते भाभी। अरे भाभी वो मोना ने कोई वीडियो वायरल कर दिया है व्हाट्सएप पे, तो थोड़ा मामला पेचीदा हो गया है। हाँ वो थोड़ा डिप्रेशन में जा रहा है, तो थोड़ा समझाओ उसे। और मुझे तो क्या थोड़ा प्लान करने जाना है रैली, तो थोड़ा बिजी रहूँगा, तो थोड़ा संभाल लो उसे। बाकी कोई गड़बड़ हो तो बता देना। ठीक है भाभी जी, नमस्ते भाभी। तुम चाहती क्या हो मेरे से? आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? इतने सारे लड़के थे कॉलेज में, मैं ही मिला था क्या? पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है यार। मोना खुश हुई तेरी जिंदगी बर्बाद करके? लड़कों का क्या है, आते जाते रहेंगे, प्यार फिर से भी हो जाएगा। बट मेरा मेन काम था तेरी लाइफ बर्बाद करना और वो हो गई है। मैं नहीं हूँ उसमें। उसकी बात नहीं कर रही मैं। तुमने सुसाइड करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, तुम्हारे पेरेंट्स का क्या होगा। किशन मुसीबत से भागना आसान है, उसका सामना करो। हम दोनों मिलके हर चीज का सामना करेंगे ना। प्रॉमिस मी कि तुम आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। पिंकी प्रॉमिस। अरे कहाँ जा रहा है? रुक रुक रुक, माहौल बनाइए। लौंडो बाहर आ जाओ। अरे सिद्धू वो मीडिया को इन्फॉर्म कर दे और खतरे को बोल के ग्लूकोज के दो कट्टे मंगा ले। जोधा एक काम कर, फोन को वॉइस मेल पर डाल दे, मुझे बीच में चूचा नहीं चाहिए। भाइयों और सभी बहनों के चाहने वालों, जैसा कि तुम्हें पता है वायलिन वालों का रिजल्ट आ चुका है। बहुत से लोग फेल हुए हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं सिर्फ 6 नंबर से रह गया था। चाहते तो वो मुझे ग्रेस देके पास कर सकते थे, लेकिन उन जालिमों को मुझ पर दया नहीं आई। उन्होंने सभी लौंडों के लौंडे लगा दिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। माँ की चूत, झूठ बुलवा रहे हो सालों। आखिर गलती क्या थी मेरी? क्या ये
कि मेरे पिताजी के पास लाल बत्ती की गाड़ी नहीं थी, क्या ये कि मेरे पिताजी के पास पैसों की खाने नहीं थी। अब ये सब कुछ नहीं सहा जाएगा, अब 50% से कम वालों के घर पे भी अच्छे लड़कियों के रिश्ते आएंगे। पहले इन सभी के आगे मेरे कुछ उसूल हैं जो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी हालत में मेरे इन असूलों को नज़रअंदाज किया जाए। अगर कोई भी मेरे इन असूलों को नज़रअंदाज करता है तो ये धरना बाद में होगा, पहले उसकी परेड निकाली जाएगी। पहला, किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। दूसरा, आम जनता को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हम हमारी बातें अहिंसावादी रूप में मैनेजमेंट को समझाएंगे, बड़े प्यार से ही समझाएंगे, इसमें कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुमको हाईलाइट में आना है तो कुछ ना कुछ ड्रामा करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ड्रामा। इस दुनिया में, इस देश में ना, ड्रामे के बगैर कुछ नहीं चलता। यहाँ की जो पब्लिक है ना, उनकी छोट बहुत सोच छोटी है, और ये लोग ना कोई भी चेंज से डरते हैं, कुछ भी बदलाव से डरते हैं। अगर कल तुमको कुछ हाईलाइट में आना है ना, तो सबसे पहले तुम्हें प्रॉपर्टी तोड़नी पड़ेगी, और प्रॉपर्टी तोड़ने से भी काम ना चले तो मैनेजमेंट के जो पुतले हैं ना, जला देना। ये अगर तुम इतना भी ना कर पाए ना, तो तुमसे कुछ ना होने जाने वाला। इतना करना, क्योंकि हर चीज में ना एक चीज आ जाती है, ड्रामा। और जब तक ड्रामा ना हो ना, तब तक कुछ नहीं है। हेलो, नमस्कार सर, सांगानेर से। जी जी बोलिए। अच्छा, हॉस्पिटल में अच्छा दंगा वगैरह हुआ है? अच्छा, गेट तोड़ रहे हैं? गेट कितने लोग हैं? अभी मैं जब तक पहुँचाता हूँ, हो सके तो मैं भी आता हूँ। अभी तुरंत 5 मिनट में आपके पास जाप्ता पहुंच जाएगा, और भी कोई व्यवस्था होगी तो हम करें। ठीक ठीक। अरे सेतु, वो मैंने जो मैनेजमेंट को लेटर लिखने का काम दिया था तुझे, वो क्या हुआ उसका? बस उसकी फोटो कॉपी है मेरे पास, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सुना फिर। बस वो ये है, हम 50% से पिछड़े वर्ग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के छात्र तुमको चुनौती देते हैं कि हम तुम्हारे छत्र छाया में आंदोलन करेंगे। हमारा प्रस्ताव है कि हमारी मांगे पूरी करी जाए, फर्जी डिग्री वालों को बाहर निकालें, हम अमीर लौंडों के जुर्म नहीं सहेंगे। कल सुबह तक अगर प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली, बहुत लंबा दंगल चलेगा। कौन बुलाए सब लिखने को? अबे मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, धमकी दे रहे हो? अबे तुम इतने से भी नहीं हो मैनेजमेंट के सामने क्या? अबे कौन किस डिपार्टमेंट में फेल हो जाएगा तुम्हें भी नहीं पता लगेगा? अबे ये क्या हिसाब है धरने का? क्या नारेबाजी लगाओगे तुम वहाँ पे? एक काम करो, डायलॉग वायलॉग भी लिख लो कि कल क्या नारे बोलोगे। मैं सिखाता हूँ। अरे हमें चाहिए आजादी, इस कॉलेज से आजादी, इस मैनेजमेंट से आजादी, इन नंबरों से आजादी। अरे यार क्या कर रहे हो हराम खोरो यार, आखिरी दिन है, तुम्हें कितनी बार समझाऊं? हमें रिजर्वेशन चाहिए 50% से कम वालों को, आजादी नहीं चाहिए तुम्हें। हमसे लोग कहते हैं कि उनके डॉक्टर्स बहुत कम हो, कितने होंगे राजस्थान के अंदर? तो डॉक्टर्स भी नहीं होंगे। बोला कि एक MLA की सीट होती है वहाँ पे 10 लाख की पॉपुलेशन होती है, एक MP की सीट होती है वहाँ पे 20 लाख की पॉपुलेशन होती है, तुम्हारी आवाज़ कैसे सुनी जाएगी? तो मैं कहना चाहता हूँ, वाले और लाल बत्ती वालों ने वाट लगा दी, वो आपका नाम ले रहे हैं और वो यहीं आ रहे हैं आपको बाहर। एम्बुलेंस से जला दी गई है बॉस, नारे लग रहे हैं, सब हमारे अगेंस्ट ही हो चुके हैं। मेडिकल सिस्टम की सफाई के लिए ये समाचार सीधे स्वर्ग से है, पृथ्वीलोक से ताजा द फ्रेश खबर आई है कि देवीलाल एक जाना माना उग्रवादी अपने बाएं हाथ सेतु, जो कि बियावर का राजकुमार होने का दावा करता है, यो टॉमी सिंह के रंगारंग कार्यक्रम में 4 बोतल वोदका और 6 कटोरी कोकेन के साथ अशांति फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जोधा
जो कि देवीलाल का गुप्त निशानेबाज है, अभी भी बाजार में खुला घूम रहा है। हाल ही में गोनेर की रेल पटरियों पर एक युवक और एक युवती की लाश मिली। जांच पड़ताल से पता चला कि दोनों एक बहुत ही गंभीर संबंध में थे। जरा एक दफा कॉलेज मैनेजमेंट की भी सुन ली जाए। बर्बाद हैं सबके सब, अब क्या चाहते हो तुम? सब कुछ तो लूट कर ले गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज की पीढ़ी में प्यार अंधा होने के साथ साथ बहरा भी हो चुका है, जो ट्रेन की आवाज सुनाई नहीं दी? जानने के लिए देखिए आज रात का कार्यक्रम 5D। तब तक के लिए भाई, शाम होने को आई है, मोनो को पिक भी करना है। लगा मोनो को फोन, लगा पूछ कहाँ है वो। साले गन किसको दिखा रहा है? मर्द का बच्चा है तो हाथ से लड़के दिखा। तमंचे से मेरे को डर नहीं लगता। भाई कोई फोन नहीं उठा रहा, वापस लगा फोन, देख कैसे नहीं उठा रहा। हेलो, मोना का तो खेल खत्म, अब थोड़ी देर में तुम्हारी बारी है। जल्दी गाड़ी घुमा, जल्दी गाड़ी घुमा, तो जल्दी गाड़ी घुमा।